केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील को ठुकराकर सुपरस्टार यश ने थामा किस डायरेक्टर का हाथ। यश की इस खबर ने फैंस को क्यों दिलाई विजय देवरकोंडा की विश की याद। केजीएफ एक ऐसी फिल्म है जिसकी ना तो हिस्ट्री से और ना ही अपकमिंग सीक्वल के बस से कोई भी सिने लवर अनजान है। ये वो फिल्म है जिसने कन्नड़ फिल्मों के बंद दरवाजे को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया, जिसने यश को रीजनल से नेशनल सुपरस्टार का दर्जा दिला दिया, जिसने रिलीज से पहले ही ऑलरेडी कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और आगे भी तोड़ने की पूरी तैयारी में है। जाहिर है इसका काफी सारा क्रेडिट डायरेक्टर प्रशांत नील को जाता है, जिन्होंने बेस्ट सिनेमेटोग्राफी से बेस्ट स्टोरी लाइन तक फिल्म के हर एक एलिमेंट पर उस दर्जे का ध्यान दिया गया कि फिल्म सुपर डुपर हिट बन गई। लेकिन इसके बावजूद यश ने प्रशांत के साथ ऐसा क्यों किया? जैसा कि आप जानते ही है कि केजीएफ ने यश को वो हुक्म का इक्का बना दिया है जिसे हर कोई अपने पास रखना चाहता है, जिसे इस्तेमाल करके बॉक्स ऑफिस की कोई भी जंग जीती जा सकती है। इसलिए जाहिर है फिल्म की सक्सेस के बाद यश को कई ऑफर्स मिले, लेकिन उन्होंने सब ठुकरा दिए। अब आखिरकार उनका दिल एक फिल्म पर आया है, पैसा वसूल। फिल्म के डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ की अपकमिंग फिल्म पर, जो एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा होगी। खबरों की माने तो इस रोल के लिए डायरेक्टर पूरी को यश बेस्ट लगे और जब उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट यश को दिखाई तो उन्हें भी कहानी भा गई। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अगर सब कुछ तय हो गया तो विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे के साथ अपनी अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म लाइगर को खत्म करने के बाद पूरी इस फिल्म पर काम करना शुरू करेंगे। दिलचस्प बात ये है कि एक समय पर विजय ने यश की केजीएफ 3 करने की इच्छा जताई थी और समय का भैया ऐसा घूमा कि अब यश ही विजय के डायरेक्टर को चुरा कर ले जा रहे हैं। वैसे इस मैटर में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या ये फिल्म प्रशांत की अपकमिंग सालार से बेटर परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में बताया था कि यश ने सालार की स्क्रिप्ट ठुकरा दी थी पर उन्होंने पूरी सर की ये स्क्रिप्ट एक्सेप्ट कर ली। इस तरह से इन दोनों फिल्मों के रिजल्ट से यश की फार साइटेडनेस की भी परख होगी कि क्या उनकी चॉइस सही है या उनका नाम भी जल्द ब्लॉकबस्टर्स रिजेक्टेड बाय सुपरस्टार्स में शामिल होगा। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।